महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। बता दें, मौके पर दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हैं। वहीं अब तक इमारत से कई लोगों को निकाला जा चुका है। बताया जा रहा है कि पुणे के मंजरी में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगी है। करीब 300 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की योजना है। पिछले साल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था। आग लगने का कारण और टर्मिनल में कितने लोग फंसे हैं, इसकी भी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दूर से ही प्लांट के ऊपर धुएं का काला गुब्बारा दिखाई दे रहा है। 5 मंजिला इस प्लांट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन कुछ दिन में शुरू होने वाला है। अभी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुराने प्लांट से किया जा रहा है। इस खबर पर और अपडेट के लिए आप देखते रहिए CIN न्यूज़।